Good morning, everyone. Today I'm going to start a new chapter, rural development. नाम से ही समझ में आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट. रूरल मतलब गांव, गांव का डेवलपमेंट करना. अब देखो, रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसमें हम फोकस करते हैं कि गांव का या विलेज इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट करना. ओवरऑल डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें बढ़ानी हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अच्छी करनी हैं जिससे कि रूरल एरिया को डेवलप किया जा सके. तो इसके कुछ की चैलेंजेस हैं. की चैलेंजेस हमारे कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना. ह्यूमन रिसोर्सेज मींस लेबर फोर्स. अब लेबर फोर्स क्या होती है? वो लोग जो 15 साल से 60 साल के बीच में, उनकी स्किल डेवलप करना. 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाना ताकि वो 15 साल के बाद अच्छी लेबर बन सकें. एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, लोगों की हेल्थ अच्छी करना कि जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे. तो क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होंगे तो आप कहीं से भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते. वी नीड अ पर्सन टू यूज़ अ मशीनरी. तो खाली मशीनरी अपने आप नहीं चलेगी, उसके लिए भी हमें एक आदमी चाहिए, उसके लिए उसे ट्रेनिंग देनी है. तो एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करें. दूसरा, गांव के लिए हमारा की चैलेंज क्या था, क्या सही करना था? दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. रीज़न बीइंग, जिसका लैंड था, जो लैंड ओनर था, वो कल्टिवेट नहीं करता था. तो अभी यहाँ पे इसका लैंड रिफॉर्म की इतनी ज़्यादा नीड थी कि जो एक्चुअल टिलर है, एक्चुअल कल्टीवेटर है, उसको ही लैंड दे दिया जाए जिससे कि वो काम बहुत अच्छे से करेगा, उसके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए. जब आप कोई भी चीज़ को काम करते हो, आपके इंटरमीडियरीज जो हैं, जो ऊपर तक आप सामान बेच रहे हो, बेचने के लिए भी आपको बीच में इंटरमीडियरीज की नीड पड़ रही है, इंटरमीडियरीज अपनी कमीशन खा रहे हैं, उसके बाद कहीं आप जाके बेच रहे हो, तो इंटरमीडियरीज को ख़त्म किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए. तो ये था हमारा लैंड रिफॉर्म्स की इशू, जिससे कि अगर ये सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट होगा. थर्ड आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना. दैट मींस गांव में फैसिलिटीज़ देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना. इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, फिनेंशियल असिस्टेंस. फिनेंशियल असिस्टेंस होता है लोन वगैरह देना, राइट? वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एग्रीकल्चर रिसर्च करो, और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं. इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करो, लोगों तक पहुंचाओ, क्या क्या चीज़ें हमारी नई आई हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मशीन्स आई हैं, या कहाँ कहाँ पे काम है, कहाँ कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, ये सारी चीज़ें. इसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है एलिवेशन ऑफ पावर्टी. पावर्टी ख़त्म करो. देखो, सबसे मेन है कि हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, पावर्टी के अंदर रहती है. तो इसीलिए हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि हम पावर्टी को ख़त्म करें. गांव में इतने सारे पुअर लोग रहते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी पावर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करें. पावर्टी को ख़त्म कैसे करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स करके, कि हम उनको कोई मेजर्स लें एलिवेट करने के लिए पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे कि पावर्टी को हम ख़त्म कर सकें. और लास्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. दैट मींस मींस ऑफ ईच लोकेलिटी. हर लोकेलिटी के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे फार्म क्यों ना हो, चाहे वो हमारे कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे कि हम लोग यूज़ करते हो कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये इसका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करने चाहिए. और जो हमारे लोग हैं उनको भी, अब देखो जो ह्यूमन है वो भी हमारा प्रोडक्टिव रिसोर्स है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए? अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी एट वर्क प्लेसेस, तो ये हमें बिल्कुल देना चाहिए. एजुकेशन फॉर ऑल, सबको एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि हमारा रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू, द चैलेंजेस और की इश्यूज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द मीनिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन द रूरल एरियाज. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.